बच्चों सुप्रभात। कक्षा 11 में आज हम गृह विज्ञान सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कुछ भोजन पकाने की विधि से रिलेटेड पाठ को अपन देखेंगे कि भोजन पकाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक होता है या कैसे पकाया जाता है, किस विधि द्वारा पकाया जाता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, भोजन पकाने की विधि। पकाने की विधियां कि भोजन को किस प्रकार पकाएं कि पोषक तत्व नष्ट ना होएं और हमें पूरे मिनरल्स विटामिन मिल सके। तो हम भोजन पकाने की विधियों को, मनुष्य को अधिकांश भोज पदार्थ खाने के लिए पकाना पड़ता है और भोज पदार्थों को पकाने में बनाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से पच सके। और भोज पदार्थ पकाने के लिए मनुष्य को प्रारंभिक में जीवन कच्चा भोजन ग्रहण करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे आग का आविष्कार होके उसको ज्ञान हुआ कि आग में भोजन भूंज कर भी हम खा सकते हैं। तो आज भी कुछ पदार्थ बिना पकाए ही काम लेते हैं, जैसे फल मेवे। भोजन पकाने की पूर्व तैयारियों की करनी पड़ती है हमें, जैसे सब्जियों को छीलना, मसाले पीसना, छानना, कूटना आदि क्रियाओं को भोज पदार्थ तैयार किए जाते हैं, फिर उनको पकाया जाता है। आज हम देखेंगे कि भोजन पकाने की विधियां प्रमुख कौन सी है। जैसे बताया है उबालना, सबसे पहली विधि है उबालना, दूसरी विधि है तलना, तीसरा है सेकना। उबालने में क्या है, खाद्य पदार्थ में डाल कर आग पर जो चढ़ाए जाते हैं और उनको फिर पानी में उबाला जाता है। तो खाद्य वस्तु को भी उबाल कर पका सकते हैं, सारी चीजों को, जैसे आलू हुआ, अंडा हुआ, फिर अरबी, शकरकंद आदि उबालने की विधि से पकाया जा सकते हैं। उबालने का प्रयोग में हमें पानी की आवश्यकता होती है और इतना पानी लेना चाहिए कि जिससे वो फालतू में फेंके भी नहीं और हमारा भोज पदार्थ पक भी जाए और पानी को फेंकना ना पड़े। फिर है भाप द्वारा पकाना, पहला है भाप द्वारा या स्टीमिंग, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में स्टीमिंग करना। पानी में उबालने से भोज पदार्थों को उनके कुछ तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हम भाप द्वारा भोज पदार्थों को पकाने में उसके तत्व नष्ट नहीं होते और भोज पदार्थ भाप द्वारा ही पक जाते हैं। इस विधि से ईंधन की आवश्यकता भी ज्यादा नहीं होती, जैसे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम पकाते हैं भोजन तो उसमें ज्यादा हमें ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर धीमी आंच में उबालना, धीमी आंच में उबालने से क्या तात्पर्य, कठोर सब्जियां जो होती हैं छिलके वाली, उनके छिलके निकालकर इस विधि से भोज पदार्थ पकाने में समय अधिक नहीं लगता है, यह भी एक प्रकार से उबालने की ही विधि है। इसमें भी भोज पदार्थ के तत्व नष्ट नहीं होते हैं, जितने भी विटामिन्स मिनरल हैं वो नष्ट नहीं होते। काहे से, उबालने से भाप द्वारा धीमी आंच में पकाने से भोज पदार्थ के जो तत्व होते हैं विटामिन मिनरल्स और भी जो भी होते हैं तत्व पोषक तत्व वो नष्ट नहीं होते और हमें भोज पदार्थ की अच्छी कैपेसिटी या एबिलिटी मिलती है। फिर है उष्णता के माध्यम से पकाना, उष्णता के माध्यम से पकाने से मतलब है यानी आग में पकाना, आग जलाकर गरम, आर्द्रता पर। इस विधि से क्या होता है, खाद्य पदार्थों की आर्द्रता कम हो जाती है और उसमें सोनापन आ जाता है। इस विधि में भिन्न भिन्न तरीकों से काम किया जाता है, जैसे सेकना, इसमें किसी पात्र के
बताया है कि इस विधि जैसे रोटी सेकना, तवे पर रोटी सेकी जाती है, गरम आंच में देखते हैं ना, तवा चढ़ा के गरम हो जाता है गैस पर, या आग में चूल्हा जलाकर, तो जब वो गरम हो जाता तब हम रोटी को सेकते हैं। फिर आग में ही हम भुट्टा बैगन भरते के लिए बनाते हैं ना, पापड़ सेकना है ना, तो उष्णता के माध्यम से कैसे क्या क्या भुट्टा बैगन पापड़ आदि सेक कर हम इसको काम में ले सकते हैं। उष्णता विधि को वातावरण को उष्ण बनाया जाता है और फिर उसमें भूत पदार्थों को सेका जाता है। इसमें तंदूर भी आता है, जैसे तंदूर को पहले तैयार किया जाता है, फिर उसमें रोटी सेकी जाती है, और इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि बेकिंग करना, ब्रेड केक आदि ऐसे तैयार करना था। इससे क्या क्या बनाया जाता है, उष्णता विधि से केक ब्रेड रोटी सेकना, फिर भुट्टे भी सेक सकते हैं हम गरम आंच पे, ऐसे सेकी जाती है और इससे भी तत्व नष्ट नहीं होते हैं। फिर है चिकनाई के माध्यम से, चिकनाई के माध्यम से यानी जैसे पूड़ी वगैरह तलते हैं हम तेल डालकर, उससे घी या तेल के माध्यम से हम पकाते हैं, चिकनाई के माध्यम से हमें तेल घी से पकाए गए भोजन। इस विधि में गहरी और उथली विधि भी होती है, यानी ज्यादा तेल में कढ़ाई, जैसे गहरी विधि कढ़ाई जैसे गहरे बर्तन में घी या तेल गर्म करते हैं और खाद्य पदार्थ को तल लिया जाता है। तलने से उनका ऊपरी आवरण बादामी और कुरकुरा हो जाता है, पूरी जैसे कचौरी आदि बनाना, इसको क्या कहते हैं, चिकनाई विधि से तलना। फिर है उथली विधि, उथली विधि क्या होता है कि पराठे चीले ये कम तेल या घी में पकाए जा सकते हैं और इससे भी भोजन पदार्थों की तत्व नष्ट नहीं होते हैं। जैसे हम प्रतिदिन डेली में ही हम चीले आमलेट पराठे आदि से आदि का सेवन करते हैं, इनको सेवन करने से आंतों में तकलीफ होती है। प्रतिदिन तेलीय पदार्थ खाने से हमारे पेट की आंतों में तकलीफ होती है। कुछ जीवन सत्व पकाने से नष्ट हो जाते हैं, जैसे मक्खन में ए विटामिन पाया जाता है अधिक मात्रा में, किंतु आग पर चढ़ाने से वह नष्ट हो जाता है। क्या विटामिन ए पाया जाता है मक्खन में, और वो अगर ज्यादा आग में जाएगा जलेगा तो उसका विटामिन नष्ट हो जाता है आग में जलने से। मक्खन का घी बच जाता है। फिर इसी प्रकार विटामिन सी आग में के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है। फिर इसके बाद बताया कि भोजन पकाने की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे माना गया है, अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर कि भोजन पकाने की श्रेष्ठ विधि वही है जिसमें भोज पदार्थों का भोजन मूल्य कम से कम नष्ट हो, जीवन तत्व यानी विटामिन ए विटामिन सारे मिनरल्स जितने भी खनिज लवण है वो सब नष्ट नहीं होते हैं। ऐसी विधि में भोजन पकाने की विधि क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तलने से भोजन ज्यादा बलिष्ठ हो जाता है। यदि इस भोज पकाने में सीधे सादे आंच का प्रयोग किया जाए तो जीवन सत्व यानी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। फिर इसलिए भोजन पकाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। बच्चों इसको आप कॉपी में लिख कर पढ़िए, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जिनको आपको हल करना।